हेलो दोस्तों, वीके गैजेट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गैस आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डोरेमोन जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स, फ्रोजन की मिनी कैलकुलेटर जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स, यूनिकॉर्न बस ज्योमेट्री बॉक्स, और ये हमारे पास फ्रोजन की ज्योमेट्री बॉक्स, और एक है हमारे पास प्रिंसेस पाउच, जिसे हम बोल सकते हैं प्रिंसेस पेंसिल पाउच, और एक छोटी सी हमारे पास है फ्रोजन की पेंसिल बॉक्स। इन्हें वन बाय वन देखेंगे ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी है, और आपको सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी वो कमेंट करके बताना। और चलो बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू, और सबसे पहले उठाते हैं हम डोरेमोन जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो कितनी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये मैंने ऑफलाइन खरीदा है, मैंने अपने नियर बाय शॉप से इसे 300 रुपीज़ का, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा 600 या 500 रुपीज़ का, बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है, डोरेमोन के ऊपर बेस है ये ज्योमेट्री बॉक्स। आप देख सकते हो बैक साइड में यहाँ लिखा हुआ है नेम और क्लास, हम अपने नेम और क्लास लिख लेंगे, और डोरेमोन है, डोरेमोन के सारे फ्रंट की फोटोज़ छपी हुई, आप देख सकते हो सुजुका नोविता सारी फोटोज़ हैं, और डोरेमोन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा है। और फ्रंट साइड में आप देख सकते हो यहाँ हमें चार बटन मिलते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4, फोर बटन का देखेंगे हमें क्या क्या यूज़ है। पहले ये देख लो, यहाँ डोरेमोन इस कंपार्टमेंट को खोलते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। आप देखो जब इस ज्योमेट्री बॉक्स का हम कवर खोलते ही तो ऊपर हमें मिलते हैं स्पेस, और क्या स्पेस मिलता है, पांच पेंसिल रखने का स्पेस मिलता है, 1 2 3 4 5, पांच पेंसिल रख सकते हैं हम इसके अंदर। अब देखो ये देखो बहुत ही अच्छे से हम अपनी पांच पेंसिल रख सकते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पे एक बटन है, इस बटन का क्या यूज है, चलो इसे दबाते हैं, तो बटन को सही से दबाते हैं तो कुछ इस तरह से ये कंपोनेंट खुलता है। चलो इसे बंद कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है हमें, और इस बटन का क्या यूज़ है, चलो पहले इस बटन को दबाते हैं फिर देखते हैं इसका यूज़ क्या है। इस बटन को पुश करते हैं, पुश करते ही एक कंपार्टमेंट खुलता है नीचे से, और देखो इस कंपार्टमेंट को खोलते ही आप देखो यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से, और इस जगह भी हम अपने पेंसिल या कलर या पेन रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट निकला है। और इस साइड देख सकते हो यहाँ एक हमें मिलता है पेन स्टैंड और पेंसिल स्टैंड भी बोल सकते हैं हम, और जब हम ज्योमेट्री बॉक्स इस तरह से रखेंगे और हम इस जगह अपनी पेन या पेंसिल या कलर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा चीज़ है और कंपार्टमेंट है काफ़ी प्यारा और पिटी है ये। और इसे बंद करते हैं, अब इन चार बटन का देखते हैं क्या यूज़ है। चलो पहले बटन को हम दबाते हैं, पहले बटन में देखते हैं क्या चीज़ होता है, तो पहले बटन को दबाते हैं तो पहले बटन को देखते ही यहाँ पे एक कंपार्टमेंट निकलता है कुछ इस तरह से, बहुत ही छोटा सा कम स्पेस वाला कंपार्टमेंट निकला है इस जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो दूसरे वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ देखो गाइस एक और कंपार्टमेंट निकला हमारा बहुत ही प्यारा सा। अब दोनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो देखो कुछ इस तरह से खुलता ही है कंपार्टमेंट, तो काफ़ी प्यारा है। और चलो इसे इसे खुले रहने देते हैं, अब इन दोनों बटन को दबाते हैं और देखते हैं कैसा ये यूज़ होता है और क्या चीज़ होती है। तो यहाँ दबाते ही हमें निकलता है एक शार्पनर, देखो इस बटन को दबाते ही शार्पनर निकलता है अंदर से, बहुत ही प्यारा सा और काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है इस शार्पनर में। और जब भी हम अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे तो सारा हमारी जितनी पेंसिल का कूड़ा है वो इसमें बहुत ही इजीली रख जाएगा। तो इसे बंद कर लेते हैं, अब इस वाले बटन को दबाते क्या होता है, तो यहाँ से देखो यहाँ से निकला एक नीचे से एक बहुत ही बड़ा कंपार्टमेंट, और इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा आएगा इस देखो। चलो अब चारों बटन को एक साथ दबाते हैं तो कुछ इस तरह से ये ज्योमेट्री बॉक्स दिखती है हमारी। तो ये है जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स। अब बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड में आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस तरह का एक कंपार्टमेंट है, और स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर भी, और दो स्पेस है इसके अंदर भी, हम कुछ अच्छी चीज़ें रख सकते हैं और यहाँ पे हम अपने कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो ये थी जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स डोरेमोन की, और ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी लगी तो कर देना इस वीडियो को लाइक गाइस। अब नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स उठाते हैं कैलकुलेटर मिनी जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स, इसे मिनी जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं कैलकुलेटर वाला, और इसमें नेविगेशन भी दिया हुआ है, और ये है फ्रोजन की थीम के ऊपर ये पूरी पेंसिल बॉक्स, और बैक साइड में भी बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा है पेंसिल नेम और क्लास गाइड, यहाँ हम अपना नाम लिख लेंगे और क्लास लिख लेंगे। फ्रोजन देख सकते हो कितनी बड़ी, और उसके सारे फ्रेंड्स की फोटोज छपी है फ्रोजन प्रिंसेस की। और अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेटर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, तो इसमें सेल लगाना पड़ेगा जब ये कैलकुलेटर चलेगा। और यहाँ हमें दो बटन मिलते हैं, नेविगेशन मिलता है, चलो इस एक बटन को दबाते हैं तो यहाँ बटन को दबाते ही हमें मिलते हैं दो दो शार्पनर गाइस, एक मोटा शार्पनर एक पतला शार्पनर गाइस। यहाँ पतली वाली पेंसिल शार्प करेंगे हम, जैसे कलर पेंसिल होती है उन्हें शार्प करेंगे, और इस जगह हम मोटी वाली पेंसिल शार्प करेंगे, दो शार्पनर मिलते हैं गाइस हमें। और अब करते हैं इस वाले बटन को पुश कर तो यहाँ मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा हमें एक कंपार्टमेंट गाइस, ये देखो कितना प्यारा कंपार्टमेंट मिला हमें इस बटन को दबाने से। चलो अब आगे वाले फ्रंट वाले बटन को दबाते हैं तो इस बटन को दबाने के बाद ये भी एक कंपार्टमेंट निकलता है, वो छोटा सा बहुत पतला सा कंपार्टमेंट है। चलो अब इस वाले बटन को दबाते हैं तो कुछ सेम इस तरह का कंपार्टमेंट निकल के आता है इस बटन को दबाने के बाद। अब फ्रंट वाले
कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखो गाइज, यहाँ मिलता हमें 1, 2, 3, 4, 5 फाइव पेंसिल रखने के लिए स्पेस। यहाँ हम पेंसिल भी रख सकते हैं, यहाँ पेन भी रख सकते हैं, कलर पेंसिल भी रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया हमें इस जगह, इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। तो चलो इसे बंद कर लेते हैं, बैक साइड की बात कर लेते हैं। बैक साइड वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी स्पेस मिलता हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से। देखो कितना स्पेस है, काफ़ी अच्छा, और इस जगह हम अपने सारे स्टडी मटेरियल रख सकते हैं गाइस। ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर देना इस वीडियो को लाइक। अब उठाते हैं हम तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स को, तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं हमारी कैसे। ये है यूनिकॉर्न बस ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, देखो बहुत ही प्यारी है, और इसमें व्हील है, और कितने व्हील है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स व्हील्स हैं बस की तरह। और यहाँ फ्रंट पे ये पूरी यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी डे, और ये यूनिकॉर्न के ऊपर बेस है ये पेंसिल बॉक्स, काफ़ी बड़ी और बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ देखो टायर भी बहुत ही प्यारे हैं गाइस, और इजीली खड़ी भी हो जाती है। देखो मैं खड़ी करके दिखाऊँ, बहुत ही इजीली खड़ी भी हो गई ये पेंसिल बॉक्स गाइस। और ये देखो, अब चलो इस कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है हमें अंदर, तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें। चलो इसे बंद कर लेते हैं, बैक साइड दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ मिलते हैं हमें दो बटन, और दोनों बटन का यूज़ देखते हैं कैसा है। तो यहाँ काफ़ी बड़ा एक कंपार्टमेंट निकल के आता है, देखो कितना बड़ा कंपार्टमेंट निकल के आया है इस बटन को दबाने के बाद। अब दूसरे बटन को दबाते हैं तो यहाँ मिलता हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट, देखो भाई बहुत ही प्यारा कंपार्टमेंट, और बहुत ही स्मूथली खुल रहा है ये, देखो बटन दबाने के बाद बहुत ही प्यारा है। चलो ऊपर के कंपार्टमेंट को खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है गाइस हमें। इसके अंदर भी हम रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ हमें मिल जाता है एक क्लास शेड्यूल गाइस चार्ट, और इस जगह हम अपने आई कार्ड भी लगा सकते हैं, और यहाँ अपने क्लास शेड्यूल भी लिख सकते हैं गाइस। काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, इसे बंद करते हैं, दोनों कंपार्टमेंट को बंद करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पुश का बटन है, अब इस पुश बटन को दबाते हैं हम, तो पुश बटन को दबा दिया तो कुछ इस तरीके से खुल गया हमारी बस। और यहाँ देखो गाइस, हमें मिलता है एक शार्पनर गाइस, देखो ये शार्पनर मिला हमें, बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर ये शार्पनर छुपा हुआ है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे एक स्पेस मिलता है, इस जगह हम कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे हम अपने इरेजर या लाइक कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो ये यूनिकॉर्न बस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये यूनिकॉर्न बस, और अच्छा लगा हो तो ये प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक। अब उठाते हैं हम फोर्थ ज्योमेट्री बॉक्स को, और ये देखते हैं कैसी है। ये है फ्रोजन मेटल ज्योमेट्री बॉक्स, और इसे हम बोल सकते हैं थ्री कंपार्टमेंट ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि गाइस जब हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होती है गाइस। देखो थ्री कंपार्टमेंट होते हैं हमारे, 1, 2, 3 थ्री कंपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छी है ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो कितनी प्यारी कितनी अमेजिंग। और इसके अंदर भी फ्रोजन की कुछ फोटोज छपी हुई हैं। सेकंड अपार्टमेंट में हमें मिल जाता है कुछ टेबल और काउंटिंग मिल जाती हैं, और नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर गाइस। तो बहुत ही प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स है, बहुत ही प्यारी अल्टीमेट। और बैक साइड में भी पेंसिल की फ़ोटोज़ हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मेटल की है, और काफ़ी प्यारी पेंसिल बॉक्स है। और देखो एक बार ओपन कर देता हूँ तो यहाँ देखो कुछ इस तरह के ये पेंसिल बॉक्स है गाइस। तो ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलो अब अगले ज्योमेट्री बॉक्स को दिखाता हूँ, अगले ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, ये है पेंसिल पाउच गाइस, हमारी पेंसिल पाउच है। ये पेंसिल पाउच कैसी है, ये है प्रिंसेस पेंसिल पाउच, बहुत ही हल्की बहुत ही प्यारी है और सिंपल सी है। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, इसे मैंने 100 रुपीज़ का परचेज़ किया, मैंने आपको अमाउंट नहीं बताया। इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 200 रुपये का परचेज़ किया, मिनी कैलकुलेटर जंबो ज्योमेट्री बॉक्स को, यूनिकॉर्न बस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 300 रुपीज़ का परचेज़ किया, और इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 150 रुपीज़ का परचेज़ किया। बात कर लेते हैं इस वाली पेंसिल पाउच की, तो इसे मैंने 100 रुपीज़ का परचेज़ किया। कुछ इस तरीके से प्रिंसेस पाउच है, बहुत ही हल्की सी बहुत ही छोटी सी, कैरी करने में भी बहुत ही ईजी है गाइस। चलो इसे चैन खोलते हैं, और इसके जिप की देखो डिज़ाइन कैसे सिंपल सी है, और इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट मिलते हैं, दो कंपार्टमेंट मिलते हैं हमें, एक और दो। और यहाँ मिलता है नेट, और नेट की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर, और इस जगह हम कुछ भी अपने स्टडी मटेरियल रख सकते हैं गाइस। देखो बहुत ही प्यारी पेंसिल पाउच है, बहुत ही छोटी बहुत ही कैरीबल, एक कूलेस्ट पेंसिल पाउच है गाइस, बहुत ही प्यारी। चलो इसे रख लेते हैं, अब अगली पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। अगली पेंसिल बॉक्स भी फ्रोजन के ऊपर थीम है, और यहाँ देख सकते हो यहाँ मिलते हैं हमें दो पेंसिल स्टैंड, जहाँ हम इस जगह हम अपनी पेंसिल को खड़े करके रख सकते हैं या पेन को भी। और यहाँ एक बटन है, और इस बटन का क्या यूज़ है देखते हैं हम। तो इस बटन का क्या यूज़ है, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा यूज़ है खास, ये देखो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। और यहाँ देखो हमें मिलते हैं दो शार्पनर गाइस इसके अंदर से,
और यहाँ पे एक छोटा वाला शार्पनर, एक बड़ा शार्पनर है, और जब इसे खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। और इसके अंदर हम रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 50 रुपीज़ की परचेज़ करी है। और बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाइस, देखो तो काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। और आपको सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय।